पहले मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग यहां पर आए। रही बात जलसे के बारे में, ये हमने आज जो असेंबली इलेक्शन 1 अक्टूबर को जो नॉर्थ कश्मीर को वोट डालने हैं, उसी सिलसिले में वर्कर्स कन्वेंशन आज हिलाल अकबर लोन साहब की सदारत में बुलाया था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये लोगों का मोहब्बत है, लोगों का वलवला है, लोगों की खिदमत जो की है लोन साहब ने पिछले 22 साल, उन्हीं की मोहब्बत की वजह से लोग आ रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद तंजीम है जो जम्मू कश्मीर की तर्जमानी कर रही है। इसी शौक और इसी मोहब्बत की वजह से जो लोग यहाँ पे आए थे, हम उनका भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि जो वो यहाँ पे आए, अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ पे आए। ये हमने पहले ही शुरुआत की थी यूथ का, जो हमने कन्वेंशन बुलाया था घर में नायथे में, तो हमने पहले ही शुरुआत की थी। ये हमारा दूसरा कन्वेंशन था जिसमें यूथ भी शामिल था, हमारे पैरेंट पार्टी भी शामिल थी। तो हमने जो अपनी मैसेज है लोगों तक पहुँचाई, और लोग भी इंशाल्लाह चाहते हैं, जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करान हैं सब जमा थे, तो इनका यही अज़म है और यही कि इंशाल्लाह रहमान जो हमारा नामजदगी का ऐलान हुआ है, तो अपने उम्मीदवार को कामयाब करना इनका ये मकसद है इंशाल्लाह। आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए, जितने जिस हिसाब से लोगों ने शमूलियत की इस जलसे में, उसे लगता है कि हमारी जीत यकीनी है इंशाल्लाह रहमान। बस मैं एक ही बात कहना ये चाहूँगा कि इंशाल्लाह अपने वर्करों से कि मेहनत भी करनी है, ये इस ख्याल में नहीं रहना चाहिए कि हमारे साथ लोग इतने जमा थे आज जलसे में, हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की, इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी जीत ज़्यादा वोट से होती है तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा।